नमस्कार किसान साथियों, आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं OWDC आधारित उसके साथ बनाए गए माइक्रो न्यूट्रेंट स्टोन कल्चर लीप एक्सट्रैक्ट का उपयोग करके। ये जो आप बैंगन देख रहे हैं, बैंगन की जो चमक देख रहे हैं, ये हमारे एक किसान साथी, हमारे सहयोगी, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए पुसा राम जी सिरवी ग्राम उदलियावास, ये पूर्ण रूप से वेस्ट डिकम्पोजर आधारित खेती करते हैं। इनके फार्म पर इन्होंने हर बार की तरह बैंगन लगाए हैं। इस बार बैंगन की कुछ चमक पहले वाले से तेज है, अच्छी चमक है, और इस बैंगन की सब्जी बहुत ही अधिक स्वादिष्ट है। इसको बिना फ्रीज में रखे भी कई दिन तक सुरक्षित, बिना मुरझाए इसको देखा गया। ये बैंगन की साइज एक समान, हर पांचवें दिन इनकी तुड़ाई होती है और रंग बहुत ही बढ़िया है इसका। अब पुसा राम जी से ही निवेदन करना चाहूँगा मैं, आप स्वयं बताएं कितने दिन में तुड़ाई होती है, कितने में बीघे में लगे हैं और क्या रेट मिल रहा है और आप क्या बनाते हैं। सबसे पहले परिचय करवाता हूं मैं आपको फुसा राम जी से। देखिए, पानी की हौद के अंदर साफ करके, यानी कि इसके ऊपर कोई रेत वगैरह लगी हो तो वो घिर जाए और बाज़ार में इसको बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। मात्र 2 बीघे में, 2 बीघे से भी कम बैंगन लगे हुए हैं और बैंगन की चमक आप देखें। मैं आपको और क्लोजअप लेता हूँ। ये आप देखिए, बैंगन की जो चमक है बहुत ही शानदार है, कांटे वाले, और जो ऊपर जो इसकी छाल है वो भी बहुत शाइनिंग वाली है। ये आप देखें, बहुत ही बढ़िया शाइनिंग है और एक एक बैंगन बहुत ही स्वाद भरा है। तो पुसा राम जी से जानेंगे ये आप कैसे करते हैं। पुसा राम जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपने बैंगन कितने बीघे में लगाया है? ये हमारे बैंगन 2 बीघे में थोड़ा कम है। और कितनी बार तुड़ाई हो चुकी है अब आज तक? आज तक ये 7-8 तुड़ाई है। आठवीं तुड़ाई है। आठवीं तुड़ाई है। एक तुड़ाई में पहले, 2 तुड़ाई में जो कम पैदावार हुई, क्योंकि ये तो सही तरीका है कि पहली बार शुरुआत में 2 तुड़ाई में थोड़ी पैदावार कम हुई। अब आपके जो तुड़ाई हो रही है इसमें कितना उत्पादन है? आज जो तुड़ाई हो रही है इसका अंदाजन उत्पादन है 5 से 6 क्विंटल तक उत्पाद निकल जाएगा। यानी कि 5 दिन के बाद 2 बीघे से भी कम बैंगन की आप तुड़ाई करते हैं और कितना क्विंटल बताया आपने? 5 से 6 क्विंटल तक। 5 वो 5.5 यानी कि 6 क्विंटल तक कभी कभी बैंगन का उत्पादन ये निकाल देते हैं। पुसा राम जी, सबसे बड़ी बात है आपकी जो बैंगन की फसल आप बेचने के लिए जाते हैं, क्या आपको बाजार में इस चमक वाली बैंगन की रेट बढ़िया मिलती है? रेट, हाँ, हमारे बैंगन की रेट सबसे बढ़िया मिल रही है। बाजार की रेट करीबन हमारे तो बैंगन के 2-3 रुपया तेजी बिक रहा है। क्या बात है। अगर प्रति किलो आपके ये बैंगन की चमक के हिसाब से अगर 3 रुपए भी ज्यादा मिलते हैं तो रोज के, यानी कि हर 5वें दिन तुड़ाई में अगर आपको 5 या 6 क्विंटल का उत्पादन आप बेचने जाते हो तो आपका बहुत ही बढ़िया मुनाफा है। आप इन बैंगन की फसल की सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं? मुख्य बात तो यही है। बैंगन की सुरक्षा के लिए तो देखो, एक तो ज़्यादा इसके अंदर इगली की शिकायत होती है, एक वह सफ़ेद मच्छर की, उसके लिए मैंने वेस्ट डिकम्पोजर से जो कीटनाशक बन रहा है, 5 पत्ती गाढ़ा है, सरसों की खली है, इसका प्रयोग कर रहा हूँ मैं। आपके आसपास भी और किसान भाइयों ने बैंगन लगाए हैं, उनके बैंगन में और आपके बैंगन में आपको क्या अंतर लग रहा है? जैसे कि मैं आपको बता दूं किसान साथियों, ये बैंगन अगर आप आस पड़ोस से हैं तो एक बार पुसा राम जी से बैंगन लेके जाइए और सब्जी बना के देखिए, वास्तव में वो नेचुरली स्वाद आएगा। क्योंकि जो रसायन वाली सब्जी है वो 2 या 3 दिन में बाहर रखो या फ्रिज में रखो, मुरझा कर खराब हो जाती है, गीले हो जाते हैं, पर ये जो बैंगन है, ये बैंगन 7 दिन तक खराब नहीं होता। ये इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं
पूसा राम जी के फार्म से बैंगन लेके गया था और 7 दिन मैंने उसको प्रयोग के तौर पर रखा था। जहाँ लोग रासायनिक खेती करते हैं वहाँ से भी मैं 4 बैंगन लेके गया और इनके यहाँ से भी मैं सब्जी बनाने के लिए जो बैंगन लेके गया था उन बैंगनों को और पूसा राम जी के फार्म से लेके गए बैंगनों को एक साथ रखा था बिना फ्रिज बाहर छाया में। जो रसायन वाले थे वो 3 दिन में ही गीले होके मुरझाने एकदम गीले गीले से हो गए, पर 7 दिन तक ये बैंगन वही अवस्था में थे जैसे कि उनको आज तोड़ा गया हो। फूसाराम जी आपका क्या संदेश है किसानों को जैविक खेती के लिए? मैं तो सभी किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि रसायन आप छोड़ो, जैविक उत्पादन अपनाओ, अपने फसल में चमक भी अच्छी आएगी, क्वालिटी भी अच्छी आएगी और बाजार का भाव भी अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। जैसे कि आप एक आम खेती के साथ साथ सब्जी वर्गीय खेती में हर 5वें दिन जो अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, पूसा राम जी ने ये स्पष्ट बात बताई कि प्रति किलो इनको रसायन वाले बैंगन से प्रति किलो 3 रुपये हर 5वें दिन ज़्यादा मिलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए आपको कौन सी खेती करनी है। किसान साथियों, आपको और नए किसानों से मिलवाऊँगा नई फसल के साथ।